কি করে বুঝলি রাজা স্বীকার করে? जो लंच हमारा था वो पूरा घर वाला स्वाद आपको मिलेगा यहाँ पे। और लंच अभी हो गया हमारा, पास में ही एक कुमकुट डैम है, वो डैम अभी देखने हम लोग निकले हैं, जो यहाँ से करीब 8-10 किलोमीटर होगा मैक्सिमम। बट एक इन्फॉर्मेशन मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, जो है कि आपको अगर पंचलिंगेश्वर, जो अभी जिस एरिया में हम लोग हैं वो है पंचलिंगेश्वर, यहाँ अगर आना होगा तो राइट टाइम होता है नवंबर के बाद, बिकॉज बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बंद रहती हैं यहाँ पे और वो खुलती हैं नवंबर के बाद। तो आप जब कभी भी आओ एक बार इंक्वायरी कर लेना कि वो अभी सारा साइट सीन हम कर पाएंगे या नहीं। अदरवाइज़ क्या है कि आपको लगेगा कि नहीं यार मेरा आना ठीक नहीं हुआ या नेक्स्ट टाइम मेरे को फिर आना पड़ेगा, तो ये एक इंक्वायरी आपको करना होगा। ठीक है, अभी हम लोग चलें डैम। रास्ता आपको दिख ही गया होगा कैसा रास्ता था, ये गांव के बीच से होते हुए ये रास्ता, और सिर्फ एक ही गाड़ी आने जाने के लिए रास्ता है। तो अगर ऑपोजिट साइड से कोई एक गाड़ी आ जाए ऑपोजिट डायरेक्शन से तो निकलना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। और कुमकुट डैम नाम है इसका, और ये रास्ते से हम लोग आए हैं, ये नीचे से ये रहा वो रास्ता। ये है वो रास्ता जिधर से हम लोग आए, वो नीचे गाड़ी खड़ी है, और ये व्यू, अभी मैं एक्चुअल व्यू दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि किस जगह पे हम लोग हैं। बहुत खूबसूरत है यार ये भी जगह, और अगेन ये जगह भी ठंड के लिए है, कि ठंड में अगर आप आते हो तो मस्त यहाँ पे लगेगा, जैसा व्यू वैसा वेदर, एकदम मज़ा आएगा यहाँ पे ठंड में। अभी इंजॉय करो इस व्यू को, आप देखो ये। ये बीच में एक मंदिर है, आई बिलीव ये मंदिर में पानी कम हो जाता है। अब क्या है इसके पीछे हिस्ट्री वो मैं थोड़ा सा आपको एक बार समझ के बताता हूँ। ये जो है पूरा व्यू देखने लगा, ये मेरी गाड़ी नीचे खड़ी, थोड़ा पास तक चले। माता जी अकेले पहुंच गए डैम के पास निरीक्षण परीक्षण करने, और इसमें वो जो मंदिर है वो मंदिर
समर के टाइम में दिख जाता है, मतलब पानी पूरा सूख जाता है, पानी जब नीचे चले जाता है तो उस मंदिर के पास तक आप जा सकोगे, ऐसा अभी मैं यहाँ पे एक लोकल थे उनसे पूछा। तो समर में वो मंदिर तक आप जा सकोगे, और ये भी वही बारिश का ही स्टोर किया हुआ पानी है क्या बाबू? वही ना, बारिश का ही पानी है ना, बारिश का। और वाटरफॉल का भी होगा शायद। वाटरफॉल कहाँ है यहाँ पे, देख लो। अच्छा, तो यही है व्यू कुमकुट डैम। माँ अच्छा लगल? ये आ गए हम प्रकृति के गोद में। কি করে বুঝলি রাজা শিকার করে? ওটা কি রাজার ঘর? ওখান দিয়ে রাজা শিকার করতো? वो एक छोटा सा घर दिख रहा है, वो एक्चुअली घर नहीं है, वो राजा के शिकार करने का जगह है, जहाँ से राजा खड़े होकर शिकार करते थे। तो ये मेरे को गांव के लोकल बच्चों ने बताया है, अब ये क्लियर है नहीं। सत्य राजा शिकार करे थे ओखने, और ओटा मंदिर गौरचंडी पुजो है ओखने। कब है पुजो? सब दिन है। के करे पुजो? पंडिती। तोदेर तोदेर वीडियो करे निचे दाड़ा। जामा कोता है ये? अब निकल के हम लोगों को फिर वही रास्ते जाना है मेन रोड की ओर, और मेन रोड से राइट साइड होके एक बिशेश्वर टेम्पल है, तो वो भी पता चला कि काफ़ी बढ़िया टेम्पल है। तो अब यहाँ से वही गांव होते हुए बैक, और बिशेश्वर टेम्पल देखना, अच्छा जगह है। अगर पंचलिंगेश्वर आप आ रहे हो तो ये जगह आपको एक बार आना चाहिए। हाँ, छोटी गाड़ी हो तो बहुत अच्छा है, बाइक हो तो फिर कुछ बोलना ही नहीं, साइकिल हो तो और भी अच्छा, बट बड़ी गाड़ी होगी तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा और गांव में आप फंस सकते हो, ठीक है। और आते वक्त हम लोग वो सीढ़ी से चढ़े थे, जाते वक्त इधर नीचे से चलेंगे जहाँ से माता जी जा रही है।
खुमकुट डैम देखने के बाद हम लोगों को बिशेश्वर टेम्पल जाना था, बट अंधेरा भी थोड़ा हो रहा था और काफ़ी थके हुए भी थे हम लोग। तो प्लान हुआ कि अभी होटल पे चलते हैं, आज रेस्ट किया जाए और फिर कल सुबह हम लोग जो बाकी आसपास का और साइट सीन करना है वो, और चांदीपुर बीच भी कल जाने का प्लान हमारा हो रहा है। तो बस ये वीडियो को यहीं पे आज मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपको बाकी सारे साइट्स का मैं सीन दिखाऊंगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। सपोर्ट करने के लिए आप शेयर कर सकते हो। और तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और यहाँ पे घूमने आने के बाद हम लोगों ने ये चीज़ देखा कि यहाँ के लोग काफ़ी, मतलब वो कोविड को लेके वैसा कोई पैनिक किसी में अभी है नहीं, और काफ़ी अच्छा माहौल लगा हम लोगों को। और चूंकि मैं पहले ही बताया था कि मम्मी भी मेरे साथ आई हुई है, तो मम्मी भी काफ़ी आराम से घूम रही है, काफ़ी डिस्टेंस और क्राउड बहुत कम है यहाँ पे। तो ये भी आपके एक आइटनरी में अच्छा जगह हो सकता है कि अगर आप इस विंटर के टाइम में यहाँ घूमने आओ तो कोलकाता से नियरेस्ट आपको बेस्ट प्लेस मिलेगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।